भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, नारायण नमस्कृत्य, नमस्कृत्य, नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। तो दसवें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। किम जन्म भी वेह या वा इह वेह शौक सावित्र यागिक कर्म भी वा त्रय प्रोक्त पुंसो अपि विबुध आयुषा। मेरे साथ किम जन्म भी त्रिभिः वा इह सावित्र यागिक कर्म भी वा त्रयी प्रोक्त
कर्म निर्वाह आयुषा आयुषा। शब्द अर्थ है किम, क्या लाभ, जन्म भी जन्म से, त्रिभी तीन, वा अथवा इस संसार में, यह इस संसार में, शौक्र वीर से, सावित्र दीक्षा से, याज्ञ कह पूर्ण ब्राह्मण बनने से, कर्म भी कर्म से, वा अथवा त्रय वेदों में प्रोक्त उपदिष्ट पुंसा मनुष्य को, अपि भी विबुध देवताओं की आयुषा आयु से। क्या बढ़िया लिखा। सुसंस्कारी मनुष्य के तीन प्रकार के जन्म होते हैं। सुसंस्कारी मनुष्यों के तीन प्रकार के जन्म होते हैं। पहला पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है, जन्म शुद्ध माता पिता से होता है, जिसे वीर द्वारा जन्म या शौक्र कहते हैं। जिसे वीर द्वारा जन्म यानी चक्र कहते दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा लेते समय होता है। दूसरा दूसरा जन्म जन्म गुरु गुरु से से दीक्षा दीक्षा लेते समय होता है, और यह सावित्र कहलाता है। और ये सावित्र और ये कहलाता है। सावित्र कहलाता तीसरा जन्म याज्ञिक कहलाता है। तीसरा तीसरा जन्म जन्म याज्ञिक कहलाता है, और यह भगवान विष्णु की पूजा का अवसर मिलने पर होता है। और ये और भगवान ये विष्णु की भगवान पूजा विष्णु की का पूजा का अवसर अवसर मिलने पर होता होता है। है। ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी, ऐसे ऐसे जन्म जन्म लेने लेने के के अवसर प्राप्त होने पर भी, यदि किसी को किसी को देवता की आयु भी मिल जाए, किसी किसी देवता की देवता आयु की भी मिल आयु जाए, मिल जाए, और वह वस्तुतः और और वह वह भगवान वस्तुतः की सेवा में रत न हो, भगवान की वो सेवा भगवान की में सेवा रत में ना रत न हो, हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, तो सब तो कुछ व्यर्थ हो व्यर्थ जाता हो जाता जाता है। इसी इसी प्रकार कर्म चाहे, इसी प्रकार प्रकार कर्म चाहे, चाहे सांसारिक हूँ सांसारिक हो सारी या आध्यात्मिक या आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, यदि वे भगवान को प्रसन्न करने के हेतु न हो, यदि यदि वे वे भगवान को प्रसन्न प्रसन्न भगवान करने को के प्रसन्न हेतु करने न का हो, हो तो वे सब व्यर्थ हैं। तो वे तो व्यर्थ है। तो इसका मतलब, अगर मैं वेदों का अध्ययन करूं, वो भी आध्यात्मिक है, सब कुछ करूं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना करूं, तो सारा व्यर्थ है। ये कहा गया है कि ये बहुत ही अच्छा लिखा है कि आप पूरे वेदों का अध्ययन करें, पूरे शास्त्रों को पढ़ें, जितने वेद व्यास ने लिखे हैं। और मैंने तो ऐसा भी देखा है, एक कोलीग होता था हमारा, साथ नहीं प्रोफेशन में, मैं बॉम्बे गया एक बार, उसने कहा मुझे भगवत गीता याद है पूरी। मैंने कहा उसका आपको भावार्थ भी पता है? कहता नहीं क्योंकि मुझे कहा गया माँ बाप ने याद कर, मैंने याद कर दिया, 700 श्लोक याद थे उसको। तो उसका क्या अर्थ है? कुछ नहीं, व्यर्थ है सब। अगर भगवान की खुशी के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, अब कुछ नहीं कर सके, सारे वेदों का अध्ययन है। और दूसरा एक, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भक्ति में लगा है भगवान को खुश करने के लिए, ये उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। ये बहुत ही बढ़िया लिखा है, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी, माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। शौक्र जन्म का अर्थ है वीर्यपात से जन्म लेना। पशु भी इस प्रकार जन्म ले सकते हैं, किंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार शौक्र जन्म से जन्मे मनुष्य में सुधार लाया जा सकता है। जन्म लेने के पूर्व अथवा माता पिता के संपर्क के पूर्व गर्भाधान संस्कार होता है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। यह संस्कार उच्च जातियों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए संस्तुत है। शास्त्रों का कथन है कि यदि उच्च जातियां गर्भाधान संस्कार का पालन नहीं करती तो सारा वंश शूद्र बन जाता है। यह भी कहा गया है कि इस कलयुग में गर्भाधान संस्कार न होने से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है।
यही वैदिक पद्धति है, किंतु पांचरात्रि का पद्धति के अनुसार यद्यपि गर्भाधान संस्कार के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, किंतु यदि किसी में कृष्ण भक्त बनने की तनिक भी प्रवृत्ति होती है तो उसे भक्ति के दिव्य पद तक उठने का अवसर मिलना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी पांचरात्रि का विधि को अपनाता है, जैसा कि श्री सनातन गोस्वामी का उपदेश है, यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम। जिस प्रकार कांस्य धातु पारे के साथ मिलाए जाने पर सोने में बदल जाती है, उसी प्रकार एक पुरुष सोने के समान शुद्ध न होने पर भी केवल दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण या द्विज बन सकता है। हरि भक्ति विलास 2.12। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त व्यक्ति द्वारा दीक्षित हो तो उसे तुरंत द्विज माना जा सकता है। अतः हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शिष्य को पहली दीक्षा देकर उसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को कहते हैं। इस मंत्र को नियमित जपने तथा विधि विधानों का पालन करते रहने से वह ब्राह्मण के रूप में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है, क्योंकि जब तक कोई योग्य ब्राह्मण नहीं बन जाता उसे भगवान विष्णु की पूजा करने की अनुमति नहीं दी जाती। यह याज्ञिक जन्म कहलाता है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जब तक कोई दो बार दीक्षा ग्रहण नहीं कर लेता, पहली बार हरे कृष्ण जप द्वारा तथा दूसरी बार गायत्री मंत्र के जप द्वारा, तब तक उसे न तो रसोई में न ही पूजा घर में प्रवेश करने दिया जाता है। किंतु जब कोई उस पद को प्राप्त करता है जिसमें वह अर्चा विग्रह की पूजा कर सके, तो उसके पूर्व जन्म पर ध्यान नहीं दिया जाता। चंडालो अपि द्विज श्रेष्ठो हरि भक्ति परायणः, हरि भक्ति विहीनश्च द्विजो अपि स्वपच अधमः। भले ही कोई चंडाल के परिवार में क्यों न जन्म ले, यदि वह भगवत भक्ति करता है तो वह श्रेष्ठ ब्राह्मण बन जाता है, किंतु यदि ब्राह्मण होकर भी भक्ति से शून्य है तो वह अधम शोपच कुत्ता खाने वाला के समान होता है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति में पारंगत है तो चाहे वह चंडाल कुल में क्यों न जन्म ले, शुद्ध हो जाता है। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत 7.9.10, विप्रा द्वि षड्गुणयुता अरविंद नाभ पादारविंद विमुखा स्वपचं वरिष्ठम्। यदि कोई ब्राह्मण हो और समस्त ब्राह्मण गुणों से युक्त हो, यदि वह भगवान की पूजा करने से विमुख होता है तो वह अधम समझा जाता है, किंतु यदि कोई मनुष्य भगवान की सेवा में आसक्त रहता है तो वह महिमा मंडित होता है, भले ही वह चांडाल कुल में क्यों न जन्मा हो। निसंदेह ऐसा चंडाल न केवल स्वयं को वरन अपने परिवार के पुरखों को भी तार देता है। भक्ति भक्ति के बिना गर्विला ब्राह्मण अपना भी उद्धार नहीं कर सकता, उसका परिवार तो दूर रहा। शास्त्रों में कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ यह देखा जाता है कि ब्राह्मण भी क्षत्रिय वैश्य शूद्र म्लेच्छ तक बन गया है, और ऐसे भी अनेक उदाहरण हैं जहाँ क्षत्रिय वैश्य या अन्य निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति 18 वर्ष की अवस्था पा लेने पर व्यक्ति दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण पद को प्राप्त कर सका है। अतः नारद मुनि कहते हैं भागवत 7.11.35, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकं यद्रन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। यह तथ्य नहीं है कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति स्वतः ब्राह्मण हो जाता है, उसके ब्राह्मण बनने का अच्छा अवसर रहता है, किंतु जब तक वह ब्राह्मण गुणों को पूरा नहीं कर लेता उसे ब्राह्मण नहीं स्वीकार किया जा सकता। दूसरी ओर यदि किसी शूद्र व्यक्ति में भी ये ब्राह्मण गुण पाए जाते हैं तो उसे तुरंत ही ब्राह्मण के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। इसकी पुष्टि के लिए भागवत, महाभारत, भरद्वाज संहिता, पंचरात्र तथा अन्य अनेक शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं। जहाँ तक देवताओं की आयु का प्रश्न है, ब्रह्मा जी के संबंध में कहा गया है, सहस्त्र युग पर्यंतम हर्यद अर्हद ब्रह्मणो विदुः, रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जनः। ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युगों से 1,000 गुना बड़ा होता है। 43,20,000।
वर्ष, ब्रह्मा की एक रात्रि भी इसी प्रकार की होती है। ब्रह्मा ऐसे दिन रात वाले 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। विभुदायुषा शब्द सूचित करता है कि यदि किसी को दीर्घायु भी प्राप्त हो किंतु यदि वह भक्त नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। जीवात्मा परमेश्वर का शाश्वत सेवक है और जब तक वह भक्ति नहीं करता उसकी आयु, उत्तम जन्म, सत्कार्य तथा सभी कुछ व्यर्थ है। श्री कृष्ण प्रभु। इतना बढ़िया लिखा है। और आप देखिए, सब जितने भी हम हैं 99.9% इसमें आते हैं। ज्ञान भी है, पढ़े लिखे हैं, और उम्र भी है, हेल्थ भी ठीक है, सब कुछ व्यर्थ है क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। और आप इस मास में सोचिए, हमारा ये जो क्लास है सुबह की, इसमें आप देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं। इस हिसाब से कम हम हरे कृष्ण महामंत्र को जपते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। ये अगर ये नहीं किया तो ये जन्म जो है मनुष्य का होते हुए भी पशु से भी निम्न है, क्योंकि शरीर मनुष्य का है, बुद्धि है, सब कुछ है, उसका कोई उपयोग ही नहीं किया गया तो उसका कोई फायदा नहीं। ये एक चीज। ये दूसरा जो सबसे बड़ी चीज, बहुत विद्वान है, सारे शास्त्र पता है, सब कुछ वेदों का ज्ञान है पूरा, भक्ति नहीं करता है भगवान के को खुश करने के लिए, सारा व्यर्थ है ये। इसलिए आप थोड़ा सा भी कर पाते हैं, आपने एक महामंत्र का एक माला भी जपी, आप उस पढ़े लिखे विद्वान से कितने गुना अच्छे हैं ये आप समझ सकते हैं। तो भक्ति इतनी बड़ी है, इतना बहुत बढ़िया लिखा है। श्रुते न तपसा वाक्यम बचो भी चित्त वृत्ति भी बुद्ध्या वाक्यम निपुणया बले न इंद्रिय राधसा। मेरे साथ, श्रुते न तपसा वाक्यम बचो भी वृत्ति बचो भी चित्त वृत्ति भी बचो बुद्ध्या वाक्यम निपुणया बले न इंद्रिय राधसा। सुतेन वैदिक शिक्षा से, तपसा तपस्या से, वा अथवा किम क्या अर्थ, बचो भी वाणी से, चित्त चेतना का, वृत्ति भी व्यापार से, बुद्ध्या बुद्धि से, वा अथवा किम क्या लाभ, निपुणया निपुण पटु, बलेन बल से, इंद्रिय राधसा इंद्रियों की शक्ति से। भक्ति के बिना कठिन तपस्या। मेरे साथ पढ़िए, भक्ति के बिना कठिन तपस्या। सुनने बोलने की शक्ति, चिंतन शक्ति, उच्च ज्ञान, बल तथा इंद्रियों की शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता, अगर भक्ति नहीं है। अगर भक्ति है तो सब कुछ है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, उपनिषदों से मुंडोक उपनिषद 3.2.3 हमें पता चलता है, नायाम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यस तस्यैश आत्मा विवर्णुते तनुम स्वाम। केवल वेदों के अध्ययन से परमेश्वर के साथ हमारे संबंध कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अनेक मायावादी सन्यासी वेदों, वेदांत सूत्रों तथा उपनिषदों के अध्ययन में रत रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वे ज्ञान का सार ग्रहण नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में वे भगवान को नहीं जानते।
तो फिर समस्त वेदों के अध्ययन से क्या लाभ? यदि कोई वेदों के सार भगवान श्री कृष्ण को ना ग्रहण कर पाए, श्री भगवान ने भगवत गीता 15.15 में भी पुष्टि की है, वेदेश्च सर्वेर हम एव वेद्या, समस्त वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूँ। ऐसी अनेक धार्मिक पद्धतियां हैं जिनमें तपस्या पर अत्यधिक बल दिया जाता है, किंतु अंत तक लोग भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते। अतः ऐसी तपस्या का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई सचमुच श्री भगवान के पास पहुंच चुका है तो उसे तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री भगवान को भक्ति योग द्वारा समझा जाता है। भगवद गीता के नवम अध्याय में भक्ति को राजगुह्यम, समस्त गुह्य ज्ञान का राजा कहा गया है। वैदिक साहित्य के अनेक उत्तम वाचक हैं और वे रामायण, श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता का वाचन करते हैं। कभी कभी वे व्यवसायिक वाचक अत्यधिक पांडित्य तथा वाग वैदग्ध्य प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश वे भगवान के भक्त नहीं होते, अतः वे ज्ञान के साथ श्री कृष्ण के विषय में श्रोताओं को प्रभावित नहीं कर पाते। यद्यपि अनेक विचारवान लेखक तथा सृजनशील दार्शनिक हैं, किंतु अपने समस्त पांडित्य के बावजूद यदि वे भगवान तक नहीं पहुंच पाते तो वो कोरे ज्ञानी हैं। इस संसार में अनेक प्रखर बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनेक खोजें करते रहते हैं। वे समस्त भौतिक तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, किंतु उनके पटु ज्ञान तथा समस्त सृष्टि के दक्ष वैज्ञानिक विश्लेषण के बावजूद उनके प्रयास व्यर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान को नहीं समझ पाते। जहां तक हमारी इंद्रियों का प्रश्न है, ऐसे अनेक पशु तथा पक्षी हैं जो हमसे अधिक दक्षता पूर्वक अपनी इंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरणार्थ गिद्ध अथवा बाज आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए भी भूमि की छोटी सी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि उसकी दृष्टि इतनी प्रखर है कि वह काफी दूर से खाद्य शव को पहचान लेता है। निश्चय ही उनकी दृष्टि मनुष्य की दृष्टि से अधिक प्रखर है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उनका अस्तित्व मनुष्य के अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार कुत्ते काफी दूरी से अनेक वस्तुओं को सूंघ लेते हैं। अनेक मछलियां अपनी शत्रुओं के आने को समझ लेती हैं। ये सारे उदाहरण श्रीमद् भागवत में वर्णित हैं। यदि हमारी इंद्रियां जीवन के चरम लक्ष्य भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त करने में सहायता नहीं कर सकती तो वे सब व्यर्थ हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, कितना बढ़िया लिखा है कि अगर बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये हमारा सामर्थ्य है, हमारा ज्ञान है और भगवान को खुश करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता तो सारा कुछ व्यर्थ है। किम वा योगेन सांखेन न्यास्वाध्याय ययो अपि अपि किम वा श्रेयो विहि अन्यस्य न यत्र आत्म प्रदो हरि। मेरे साथ पढ़िए। किम वा योगेन सांख्येन, किम वा योगेन न्यास स्वाध्याय यो अपि किम वा श्रेयो श्रेयो भी अन्यश्च न यत्र आत्म प्रदो हरि। शब्दार्थ किम, क्या लाभ, वा अथवा योगेन योगाभ्यास द्वारा, सांख्येन सांख्य दर्शन के अध्ययन से, न्यास संन्यास ग्रहण करने से, स्वाध्याय यो तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन से अभी भी किम, क्या लाभ, वा अथवा स्वयं भी शुभ कर्म द्वारा अन्य अन्य च तथा न कभी नहीं यत्र जहां आत्म प्रदा आत्मा की तुष्टि। हरि हरि ही भगवान। मेरे साथ पढ़िए। जो दिव्य विधान विधि विधान पूर्ण दिव्य विधि विधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार कराने में सहायक नहीं होते, सहायक नहीं होते, वे व्यर्थ हैं।
व्यर्थ है। कितने भी विध विधान कोई बताए अगर साक्षात्कार कराने में भगवान का सहायक नहीं है तो व्यर्थ है, चाहे वह योगाभ्यास हो या पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन या पदार्थ का वैश्लेषिक अध्ययन या कठिन तपस्या, कठिन तपस्या, संन्यास ग्रहण करना, संन्यास ग्रहण करना या कि वैदिक साहित्य का अध्ययन हो, भले ही ये आध्यात्मिक प्रगति के महत्वपूर्ण पक्ष क्यों न हो, किंतु जब तक कोई भगवान हरि को नहीं जान लेता, ये सारी विधियां व्यर्थ हैं, ये सारी विधियां व्यर्थ हैं। हाँ, देखने को हमको लगेगा कि ये तो इसका वैश्लेषिक पदार्थ का सांख्य योग में बहुत पारंगत है, कठिन तपस्या सुबह से शाम तक ध्यान लगा के तपस्या करता है, या संन्यास ग्रहण किया, सन्यासी है, भौतिक पदार्थों से विरक्त कर चुका है, ये अगर ये भगवान को ये सब पद्धति से भगवान को अगर नहीं जान पाए, ये सारी विधियां व्यर्थ है। और मीरा को तो ये कुछ नहीं पता था, मीरा को तो जो वो मिल गया जो आखिरी चाहिए, क्या भगवत प्रेम, पागल हो गई भगवान कृष्ण के लिए, वो प्रेम बिना इन चीजों के मिल गया। ये है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। संजना मिश्रा माता जी, संजना मिश्रा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, पंडित नाम, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभात के द्वारा, शील प्रभात के द्वारा तात्पर्य श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 24.10.9 में कहा गया है, भक्ति बिना केवल ज्ञाने मुक्ति ना ही है, भक्ति साधन करे यही प्राप्त ब्रह्म लय। निर्विशेषवादी भक्ति न करके अन्य अभ्यास करते हैं, जैसे भौतिक तत्वों का विश्लेषण, पदार्थ तथा आत्मा के भेद एवं योग प्रणाली, ये तभी तक उपयोगी है जब तक वे भक्ति से पूरक हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा था कि भक्ति के बिना ज्ञान, योग तथा सांख्य दर्शन से वंचित फल प्राप्त नहीं हो सकते। निर्विशेषवादी पर ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं, किंतु इस तादात्म्य के लिए भी भक्ति चाहिए। परमेश्वर का साक्षात्कार तीन रूपों, निर्गुण ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान में होता है। इन सब के लिए भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी मायावादी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते भी पाए जाते हैं, यद्यपि उनका लक्ष्य ब्रह्म से तादात्म रहता है। कभी कभी योगी भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, किंतु उनका लक्ष्य भक्तों से भिन्न होता है। इन सभी विधियों से चाहे विधियों में चाहे कर्म हो, ज्ञान हो या योग, भक्ति आवश्यक है। इस यही इस श्लोक का सारांश है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा, जब हम एक क्लास में आए, जितना भी पढ़ा, तो क्या कहा गया, अगर हम भगवान को नहीं जान पाए किसी भी दिशा भी, उस विधि सब बेकार है। जान पाए का मतलब भगवान से हम अपना संपर्क नहीं बना पाए, हम कौन है, भगवान कौन है, और भगवान को भक्ति क्या करती, भक्ति, भक्ति का मतलब क्या है, भगवान को खुश करना। आप किसी भी तरीके से अगर भगवान आपसे खुश हो गए आपका जीवन का लक्ष्य पूरा, और इतने तरीके हैं, इतने तरीके हमने भगवद गीता में पढ़े हैं, और उसमें क्या कहा गया, भक्ति ही सबसे अच्छा तरीका है भगवान को जानने का। ये छोड़ दीजिए क्या कहा गया, भगवान खुद ने कहा है भगवद गीता में, मुझे जानना है भक्ति से जान सकते हो।
भगवान को पूरा इतने देखे ब्रह्मा जी जो सबसे भगवान ने पैदा किया ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भी पूरी तरह उनको नहीं समझ सकता, नारद को बताया उन्होंने। नारद ने जब पूछा उन्होंने कहा वो इतने महान हैं मैं भी उनको पूरी तरह नहीं जान सकता। और अर्जुन ने 11वें अध्याय में कहा कि आप भी भगवान अपने को जानने के लिए अपनी अंतरंगा शक्ति का इस्तेमाल करते होंगे, अपनी आपकी जो अंतरंग पराशक्ति है भगवान की उससे आप अपने को जान, आप इतने महान हैं। तो महान है भगवान ये तो सब समझ आ गया, ये इसको भी जानने का जरूरत नहीं है। भगवान से अगर हमारा प्रेम हो जाए, प्रेम कब होता है किसी से जिस जो जिसको आप खुश कर पाते हैं, आप किसी को खुश कर पाते हैं तो वह आपसे प्रेम करने लगता है। तो भगवान को खुश करना भक्ति है, भगवान को प्रसन्न करना भक्ति कहलाती है। और उससे क्या होता है भगवान आपको प्यार करने लगते हैं, वही तो चाहिए हमको। हमारा जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना, और हमको भी आप किसी को आप खुश करना चाह रहे हैं, किसको खुश करना चाहते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं, आपका प्रेम हो जाए, जीवन का अंतिम लक्ष्य है भगवान से प्रेम। वही मीरा को ऐसे ही हो गया, बताइए। श्रेयसाम अपि सर्वेषाम आत्मा ही अवधि अर्थतः सर्वेषाम अपि भूतानाम हरि ही आत्मा आत्मदः प्रियः। मेरे साथ श्रेयसाम अपि सर्वेषाम सर्वेषां आत्मा ही अवधि अर्थतः सर्वेषां अपि भूतानाम हरि ही आत्मा आत्मदः प्रियः। शब्दार्थ है श्रेयसाम शुभ कार्यों का, अपि निश्चय ही सर्वेषाम समस्त, आत्मा आत्मा ही निश्चय ही अवधि ही लक्ष्य, अर्थतः वास्तव में सर्वेषाम सभी, अपि निश्चय ही भूतानाम जीवों का, हरि ही भगवान आत्मा परमात्मा, आत्मा दह मूल पहचान प्रदान करने वाला प्रिय प्रिय प्रिय। मेरे साथ पढ़िए यथार्थ रूप में यथार्थ रूप में भगवान ही समस्त आत्म साक्षात्कार के मूल भगवान स्रोत हैं, मूल स्रोत फलतः समस्त शुभ कार्यों कर्म कर्म ज्ञान योग तथा भक्ति भक्ति का लक्ष्य भगवान है। हाँ, कर्म योग से, ज्ञान योग से और योग तथा भक्ति से भगवान को अगर जान गए, लक्ष्य एक ही है, ये पता है। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्णा सोनिया अग्रवाल माता जी हरे कृष्णा माता जी श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तथस्था शक्ति है और यह भौतिक जगत बहिरंगी शक्ति है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को यह समझना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही पदार्थ तथा आत्मा दोनों के मूल स्त्रोत्र है। इसकी व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में की गई है। भूमिरापो नलो वायुं खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तथा अपे अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार। ऐसी ये सारी 8 प्रकार के अलग अलग मेरी भिन्न भौतिक शक्तियां हैं, किंतु हे महाबाहु अर्जुन इस निकृष्ट अपरा शक्ति के अतिरिक्त मेरी एक जीव रूप उत्कृष्ट परा प्रकृति भी है जो उन सभी जीवों से बनी है जो भौतिक प्रकृति से संघर्ष करते रहते हैं
वो ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं। इस समग्र दृश्य जगत पदार्थ तथा आत्मा के संयोग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आत्मा वाला अंश जीव है और ये जीव ही प्रकृति या शक्ति के रूप में वर्णित है। जीव को कभी भी पुरुष या परम पुरुष नहीं कहा जाता, अतः जीव को परमेश्वर से एकाकार मानना कोरी अविद्या है। जीव तो परमेश्वर की तटस्था शक्ति है, यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान के में वास्तव में कोई अंतर नहीं होता। जीव का धर्म यह है कि वह अपने वास्तविक रूप को पहचाने। जब वह ऐसा करता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे भक्ति पद प्राप्त करने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। यही जीवन की पूर्णता है। यह वैदिक उपनिषदों में इंगित हुआ है। यमे वैश्य वृणते तेन लभस लभ्यस सॉरी लभ्यस्त यश आत्म विवृणते तून तनुम स्वाम। भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में इसकी पुष्टि करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो लोग मेरी सतत भक्ति तथा प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझ तक आ सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि मनुष्य को भक्ति योग पद तक पहुंचना चाहिए, चाहे वह कर्मयोग ज्ञान योग या अष्टांग योग से शुभारंभ क्यों न करे। जब तक मनुष्य भक्ति योग के पद को प्राप्त नहीं करता तब तक वह आत्म साक्षात्कार या परम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब भक्ति, भक्ति का मतलब भगवान को प्रसन्न करना। आप इसलिए तरीका बताया गया 905 है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदन। इसमें कोई एक ले लो, सारे ले लो भगवान को खुश करने के लिए। भगवान जब आपसे, हाँ ये करने का मतलब श्रद्धा, श्रद्धा नहीं है और अगर आप कर रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। जिस भक्ति में एक ही सबसे बड़ी चीज है हमारी श्रद्धा, श्रद्धा फिर आता है साधु संग, तब आती है भजन क्रिया, तब आती है अनर्थ निवृत्ति, गंदगी हटे हमारी तब आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा तो अपने वास्तविक रूप को कब समझ पाए वो आत्म साक्षात्कार। भगवान कौन, मैं कौन, मैं भगवान का शाश्वत दास हूं और उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। तो भगवान की सेवा करना, अगर मुझे ये मेरे हृदय में जाग जाए कि नहीं, जब तक भगवान नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा, जब तक भगवान का मैं अभिषेक नहीं कर लेता मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा जब तक, तो मैं माला नहीं जपूंगा, ऐसा अगर मन में आने लगे आपका कि भगवान से आप शुद्धता से, अब ये भी चाहते हैं कि मैं भगवान से मैं भक्ति करूं और शुद्ध रहूं, ये बहुत जरूरी है। शुद्ध बाहरी भी और आंतरिक भी। आंतरिक शुद्धि आपको महामंत्र जपने से, बाहरी शुद्धि नहाने से आती है। ये हम करते हैं तब भगवान के पास जाते हैं। तो मन में यह है कि मेरे में अशुद्धि नहीं रहे, जब भगवान के सामने मैं खड़ा हूं कोशिश करूं पूरी कि मेरे में अशुद्धि न रहे और भगवान को तब मैं हाथ जोड़ू दंडवत करूं श्रद्धा से। तो ये जानने लगूं, जिस दिन ये पता लग गया कि भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका शाश्वत दास हूं, मेरा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, ये जिस दिन आ गई, यही तो आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार भगवान के सामने, जब इतनी शुद्धि मुझ में आ जाती है तो मुझे भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। ये तब तक हमारे कोशिश जारी रहनी चाहिए। यथा तरोर मूल निशे चने ना तृप्यन्ति तस्कंद मुखो पशाखा प्राणो प्राण उपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्व अर्हणम अच्युत इज्जा। अच्युत इज्जा भी पढ़ सकते हैं, इज्जा। मेरे साथ पढ़िए,
यथा तरोर मूल निषेचनेन यथा तृप्यन्ति तस्कंद मुखोपशाखा प्राण उपहारात् च यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्व अर्हणम् अच्युत्तेज्या हाँ अच्युत इज्ञा है वो इज्ञा इज्ञा पूजा के लिए कहा जाता है। शब्दार्थ है यथा जिस प्रकार तरो वृक्ष की मूल जड़ निषेचनेन सींचने से तृप्यन्ति संतुष्ट हो जाते हैं तत् इसके स्कंद तना कुछ शाखाएं उपशाखा टहनिया प्राण प्राणवायु उपहारात भोजन करने से च तथा यथा जिस तरह इंद्रियाणाम इंद्रियों का तथा एव उसी तरह सर्व सभी देवताओं की अर्हम पूजा अच्युत भगवान की इज्ञा पूजा। जैसे कहा गया है कि पेड़ की जड़ में अगर आप पानी दे दो तो सारे वृक्ष को मिल जाता है पानी, और इसी तरह हमारे शरीर में पेट में अगर भोजन चला गया तो हाथ को अलग से खिलाने की जरूरत नहीं है, आंखों को अलग से खिलाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप पहुंच जाता है सबके पास जो चीज चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। संतोष गुप्ता माता जी। संतोष गुप्ता साधु प्रणाम करते जी। हरे कृष्ण सभी को। माता जी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए माता जी, पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा कभी कभी लोग पूछते हैं कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन देवताओं को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन क्यों करता है। इसका उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है। वृक्ष की जड़ को सींचने का उदाहरण अत्यंत सटीक है। भगवद गीता में कहा जाता है ऊर्ध्व मूल मध्य शाखम। यह दृश्य जगत नीचे की ओर विस्तृत है, इसका मूल भगवान है। जैसा कि भगवान स्वयं भगवद गीता में पुष्टि करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक संसारों का स्रोत हूँ। श्री कृष्ण सभी वस्तुओं के मूल हैं। अतः कृष्ण सेवा का अर्थ है सभी देवताओं की स्वतः सेवा हो जाना। कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि सफलता के लिए कर्म तथा ज्ञान में भक्ति के मिश्रण की ओर कभी कभी भक्ति में कर्म तथा ज्ञान के मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। वास्तविकता यह है कि यद्यपि ज्ञान भक्ति के बिना कभी सफल नहीं हो सकते, भक्ति कर्म तथा ज्ञान की सहायता नहीं मांगती। वास्तव में जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधिनावृतम। शुद्ध भक्ति को कर्म तथा ज्ञान के स्पर्श से दूषित नहीं किया जाना चाहिए। आधुनिक समाज अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यों मानवतावादी कार्यों इत्यादि में व्यस्त है, किंतु लोग यह नहीं समझते कि जब तक भगवान कृष्ण को इन सारे कार्यों का केंद्र बिंदु नहीं बनाया जाता है, ये कार्य सभी कभी भी सफल नहीं हो सकते। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण तथा देवता रूपी उनके शरीर के विभिन्न अंगों की पूजा करने में क्या हानि है? तो इसका उत्तर भी इस श्लोक में प्राप्त है। बात यह है कि उदर को भोजन देने से इंद्रिया श्रोता संतुष्ट हो जाती है। यदि कोई अपने नेत्रों या कानों को अलग से भोजन दे तो उसका परिणाम बुरा होगा। केवल उदर को भोजन देकर हम समस्त इंद्रियों को तुष्ट कर देते हैं। प्रत्येक इंद्रिय की अलग अलग सेवा कर पाना ना तो आवश्यक है ना संभव ही है। निष्कर्ष यह है कि केवल कृष्ण सेवा से सब कुछ पूरा हो जाता है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में पुष्टि की गई है, कृष्ण भक्ति के कैलय सर्वक्रम कृत है। यदि मनुष्य भगवान की भक्ति में लगा रहे
तो अन्य सारे कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये कि भक्ति में लगा रहे और कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। हाँ, आप भक्ति कर रहे हैं, आपको भक्ति करते हैं आप, आपको अगर आप ध्यान में बैठते हैं, जैसे आप बहुत अच्छी तरह बैठ करके आसन लगा के बैठते हैं भगवान के, गलत नहीं है, क्योंकि भक्ति कर रहे हैं, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भक्ति का है। और उसके बाद मैं कुर्सी में बैठता हूँ, मैं नीचे नहीं बैठ सकता, आप नीचे बैठ के अपने जैसे योगासन में बैठते हैं ऐसे बैठते हैं, वो आपके शरीर के लिए अच्छा है। और फिर उसके बाद भक्ति करने के बाद आप 5 मिनट 10 मिनट योगा करते हैं, कोई गलत नहीं, क्योंकि आप उस शरीर को जिससे भक्ति कर रहे हैं उस शरीर को ठीक रखने के लिए कुछ उपाय करते हैं, बिल्कुल सही है, ये वो कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं शरीर को ही ठीक कर रहा हूं, भक्ति कर ही नहीं रहा हूं, तो सब बेकार है। बहुत ही बढ़िया ये अध्याय आया है, बहुत अच्छा लग रहा है। यथैव, यानी यथा एव, यथैव सूर्या प्रभवन्ति वारः पुनस्तस्मिन् प्रवसन्ति काले भूतानि भूमौ स्त्रिजंगमानि तथा हरौ एव, हराव है ना, तथा हरौ एव गुण प्रवाह। मेरे साथ, यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः, यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति पुनस्तस्मिन् प्रविशन्ति काले, भूतानि पुनस्तस्मिन् भूमौ सृजंगमानि, तथा हरौ एव गुण प्रवाह। तथा यथा, जिस तरह एव निश्चय ही सूर्यात, सूर्य से प्रभवंत उत्पन्न होता है वारह जल, पुनः फिर से च तथा तस्मिन् उसमें प्रविशंति प्रवेश कर जाता है काले, काल क्रम से भूतानि समस्त जीव भूमौ पृथ्वी पर स्थिर अचर जंगमानी तथा चर तथा उसी प्रकार हरौ भगवान में एव निश्चय ही गुण प्रवाह, भौतिक प्रकृति का उद्भव। मेरे साथ पढ़िए, वर्षा काल में वर्षा काल में सूर्य से जल उत्पन्न होता है सूर्य और काल क्रम में, और काल क्रम में अर्थात ग्रीष्म काल में वही जल, अर्थात ग्रीष्म काल में वही जल सूर्य द्वारा पुनः सोख लिया जाता है, सूर्य द्वारा जाता है। इसी प्रकार समस्त चर तथा अतर जीव, इसी प्रकार इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और कुछ काल के पश्चात और कुछ काल के पश्चात वे पुनः पृथ्वी में धूल वे पुनः पृथ्वी में धूल के रूप में मिल जाते हैं। के रूप में मिल जाते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु श्री भगवान से उद्भूत होती है भगवान से उद्भूत होती और काल क्रम से और काल पुनः उन्हीं में लीन हो जाती है। क्रम तात्पर्य माता जी, हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा अल्प ज्ञान के कारण निर्विशेषवादी यह नहीं समझ पाते कि किस प्रकार कोई वस्तु भगवान से निकलकर फिर उन्हीं में लीन हो जाती है। ब्रह्म संहिता 5:40 में पुष्टि हुई है, यस्य प्रभा प्रभावतो जगदंड कोटि कोटिवशेष सुधा विधि भूति भिन्नम्
तद्ब्रह्म निष्कल्मनंत शेष भूतम गोविंदा आदि पुरुषम तहम भजामि। कृष्ण के शरीर से दिव्य किरणें निकलती हैं और इन्हीं किरणों में जो ब्रह्म तेज है सारी वस्तुएं विद्यमान रहती हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता 9.4 में हुई है। मतस्थानी सर्वभूतानि, यद्यपि श्री कृष्ण सर्वत्र साक्षात उपस्थित नहीं रहते किंतु उनकी शक्ति ही समस्त सृष्टि का कारण है। संपूर्ण दृश्य जगत श्री कृष्ण के शक्ति के प्रदर्शन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस श्लोक में दिए गए दोनों उदाहरण अत्यंत ज्वलंत हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा पृथ्वी पर वनस्पति को पुनः जीवित करके पशुओं तथा मनुष्यों को जीवनी शक्ति प्रदान करने में सहायक बनती है। जब वर्षा नहीं होती तो अन्न का अभाव हो जाता है और मनुष्य तथा पशु मरने लगते हैं। समस्त वनस्पतियां तथा सारे चर प्राणी मूलतः पृथ्वी की उपज हैं। वे पृथ्वी से ही प्रकट होकर उसी में पुनः मिल जाते हैं। इसी समय इसी प्रकार संपूर्ण शक्ति कृष्ण के शरीर से प्रकट होती है और उस समय सारा संसार दृष्टिगोचर होने लगता है। जब वे अपनी शक्ति को समेट लेते हैं तो प्रत्येक वस्तु लुप्त हो जाती है। ब्रह्म संहिता 5.48 में इसे भिन्न प्रकार से कहा गया है। यस एक निश्चित काल मथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान सहय यस्य कला विशेषो गोविंद आदि पुरुषम तमं भजामि। सारी भौतिक सृष्टि भगवान के शरीर से उद्भूत है और प्रलय के समय वह पुनः उन्हीं में प्रविष्ट हो जाती है। यह सृष्टि तथा प्रलय की प्रक्रिया महाविष्णु के श्वास लेने से संभव होती है। श्री कृष्ण के ही एक अंश मात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ए तत् पदम तत् जगद जगद आत्मनः परम सकृत विभातम सभी तुरी यथा प्रभा यथा सवो जागृति सुप्त शक्तयो दिव्य क्रिया ज्ञान दिव्य क्रिया ज्ञान विदा ब्रह्म अत्ययः। मेरे साम एतत् पदम तत् जगत आत्मनः परम सकृद विभातम सवितुर यथा प्रभा यथा सवो जागृति सुप्त शक्तयो दिव्य क्रिया ज्ञान विदा ब्रह्म अत्ययः। शब्दार्थ है एतद् यह दृश्य जगत पदम निवासताम तत्व जगद आत्मना भगवान का परम दिव्य सकृत कभी कभी विभातम प्रकट होने वाला सवितु सूर्य का यथा जिस प्रकार प्रभा सूर्य प्रकाश यथा जिस प्रकार असव इंद्रियां जागृति प्रकट होती हैं सुप्त निष्क्रिय शक्तियां द्रव्य भौतिक तत्व क्रिया कर्म ज्ञान ज्ञान भिदा भ्रम भ्रम से उत्पन्न अंतर अत्यय लुप्त हो जाते हैं। मेरे साथ पढ़िए जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्य से अभिन्न है उसी प्रकार यह दृश्य जगत भी उसी प्रकार यह दृश्य जगत भी भगवान से अभिन्न है भगवान से अभिन्न है। अतः भगवान इस भौतिक सृष्टि के भीतर सर्वत्र व्याप्त हैं। जब इंद्रियां चेतन रहती हैं तो वे शरीर के अंग स्वरूप प्रतीत होती हैं। तो वे शरीर के किंतु जब शरीर सोया रहता है
किंतु जब कहीं स्वर रहता है तो सारी क्रियाएं अव्यक्त होती हैं, तो सारी क्रियाएं अव्यक्त होती है। इसी प्रकार सारा दृश्य जगत, इसी प्रकार सारा दृश्य जगत भिन्न प्रतीत होने पर भी, भिन्न प्रतीत होने पर भी परम पुरुष से अभिन्न है, परम पुरुष से अभिन्न है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, इससे चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रतिपादित अचिंत भेदाभेद तत्व के दर्शन की पुष्टि होती है। भगवान एक साथ इस दृश्य जगत से भिन्न तथा अभिन्न है। पिछले श्लोक में कहा गया है कि भगवान वृक्ष की जड़ की तरह समस्त वस्तुओं के मूल कारण है। इसकी भी व्याख्या की जा चुकी है कि भगवान किस प्रकार सर्वव्यापी है। वे इस भौतिक जगत की समस्त वस्तुओं के अंदर स्थित है। चूंकि भगवान की शक्ति उनसे अभिन्न है, अतः ये दृश्य जगत भिन्न प्रतीत होते भी उनसे अभिन्न है। सूर्य प्रकाश सूर्य से भिन्न नहीं है, किंतु साथ ही उससे अभिन्न भी है। धूप में रहते हुए भी कोई सूर्य में नहीं रहता। जो लोग इस संसार में रह रहे हैं वे भगवान के शरीर की किरणों में रहते हैं, किंतु वे उन्हें शरीर नहीं देख पाते। इस श्लोक का पदम पदम शब्द भी शब्द भगवान के निवास स्थान का सूचक है। इसकी पुष्टि ईशोपनिषद में ईशा वास मिदम सर्वम में हुई है। भले ही मकान मालिक मकान के एक कमरे में रह रहा हो, किंतु सारा मकान उसी का होता है। भले ही राजा बकिंगम महल के एक कमरे में रहे, किंतु सारा महल उसकी संपत्ति होता है। उसे उस महल को अपना बताने के लिए महल के प्रत्येक कमरे में रहना आवश्यक नहीं है। वो सभी कमरों में भले ही स्वयं उपस्थित न रहे, किंतु फिर भी सारा महल उसकी राजसी संपत्ति समझा जाता है। सूर्य प्रकाश प्रकाश है। सूर्य गोलक स्वयं प्रकाश है और सूर्य देव भी प्रकाश ही है, किंतु सूर्य का प्रकाश और सूर्यदेव विवस्मान एक रूप नहीं है। एक साथ एक और भिन्न होने का यही अर्थ है अचिंत भेदाभेद तत्व। सभी ग्रह सूर्य प्रकाश पर निर्भर है और सूर्य के ताप से वे अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। सभी ग्रहों में सारे वृक्ष तथा पौधे सूर्य प्रकाश से ही बढ़ते और रंग बदलते रहते हैं। सूर्य की किरणें होने के कारण वे सूर्य प्रकाश से अभिन्न है। इसी प्रकार सारे ग्रह जो सूर्य प्रकाश पर निर्भर करते हैं सूर्य से अभिन्न है। ये सारा संसार सूर्य पर पूर्णतया निर्भर है, क्योंकि ये सूर्य से ही उत्पन्न है और इसके सारे फलों में सूर्य निहित है। इसी प्रकार श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और सारे परिणाम उसी मूल कारण के से व्याप्त। समस्त दृश्य जगत को परमेश्वर की विस्तृत शक्ति समझना होगा। जब मनुष्य सोता है तो उसकी इंद्रियां निष्क्रिय रहती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि इंद्रियां अनुपस्थित रहती है। जगने पर इंद्रियां पुनः सक्रिय हो जाती है। इसी प्रकार ये दृश्य जगत कभी प्रकट होता है तो कभी अप्रकट, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है भूता भूता प्रलीयते। जब दृश्य जगत का लय हो जाता है तो ये एक प्रकार की निद्रावस्था या निष्क्रिय अवस्था में रहता है। दृश्य जगत चाहे सक्रिय हो या निष्क्रिय, परमेश्वर की शक्ति सदैव विद्यमान है। इस तरह प्रकट तथा अप्रकट शब्द केवल भौतिक जगत के लिए व्यवहार है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। भगवान खुद नहीं हो लेकिन सूर्य और सूर्य की किरण बहुत अच्छी तरह बताया। सूर्य है तो सूर्य की किरण है, इसलिए इस भौतिक जगत में विविधता है तो भगवान है। तो ये चीज हमको समझना होगा। तो भगवान ने भगवत गीता में दो श्लोक कहे। पहला कहा कि ये असदा प्रकृति है, मेरी भिन्ना प्रकृति है। फिर हमको उठाया भगवान ने, कहा ये जीव जो है मेरी अंतरंगा शक्ति है, हालांकि हम हैं तटस्था शक्ति। भगवान ने दो श्लोक यहाँ वर्णन भी आया था कि ये मेरे मेरे ये मेरे पराशक्ति है और मेरे अपराशक्ति का विदोहन कर रही है। ये भी कहा भगवान ने, दो श्लोकों का वर्णन भी आया था पहले। तो इस तरह तो अचिंत भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भी नहीं भी है कि भगवान इस भौतिक जगत में हैं। तो आपको लगता है भगवान तो दिखते नहीं, अचिंत भेदाभेद हैं भी नहीं भी।
और हैं कैसे, क्योंकि सब चीज उनके अध्यक्षता में कार्य करता है, सब चीज उनके अध्यक्षता में ही चलता है। तो हैं, अगर भगवान नहीं है तो ये भौतिक जगत ठहर नहीं सकता। इसीलिए ब्रह्मा जी को कार्य सौंपा कि बना बनाया, और भगवान खुद परमात्मा के रूप में, विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं, और शिव जी को कहा श्रृंगार का काम आपका। ये सब भगवान का अरेंजमेंट है। ये अगर आप, हाँ, भगवान को हम इस भौतिक जगत में तो देख नहीं सकते, और भक्ति ही एक तरीका है कि हम अपने को शुद्ध करें। हमारी इंद्रियां शुद्ध कब होती हैं? जब वो भगवान की सेवा में लग जाती हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आ गई तो भगवान हमको दर्शन भी दे सकते हैं। बस सिद्ध हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है भक्ति से। भक्ति से ये चीज संभव है। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणीप्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यसत्तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।